नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। जुबान संभालो अपनी, ये एक सांसद की भाषा नहीं हो सकती। हुड्डा के बयानों का पलटवार, महिला मोर्चा जिला अध्यक्षा ने किया दीपेंद्र हुड्डा के बयानों का पलटवार। महिला मोर्चा जिला अध्यक्षा नीताशा राकेश सिहाव। आप देख रहे हैं पल पल। इलाहाबाद से एलडी स्वामी की ये रिपोर्ट। कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा इलाहाबाद में कांग्रेस की महारैली में पहुंचे थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने माननीय मुख्यमंत्री पर लगाए थे कई आरोप, जिसका विरोध आज महिला मोर्चा जिला अध्यक्षा नीताशा राकेश सिहाग ने किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक सांसद की भाषा नहीं हो सकती। वे विकास पर आरोप लगा रहे हैं, इलाहाबाद के अंदर हो रहे विकास कार्यों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा जी पिछले कई दिनों से माननीय मुख्यमंत्री पर असभ्य और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय भाषा है। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमसे सवाल उठा रहे हैं और विकास पर सवाल उठा रहे हैं। इलाहाबाद जनसभा में आने से पहले उनको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए थी। क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले हमें न सिखाएं, ये बात अध्यक्षता नीताशा राकेश सिहाग ने कही। आप देख रहे हैं की एक खास रिपोर्ट। पिछले दिनों से लगातार जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय भाषा है। अभी उन्होंने कल ही जो इलाहाबाद में उनकी एक जनसभा रही, उसके दौरान भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बहुत ही असभ्य भाषा का प्रयोग किया। और मैं कतई ये बात को नहीं मानती कि किसी सांसद को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और आज वो विकास के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और विकास के ऊपर हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि इलाहाबाद में आने से पहले ज़रा उनको पूरी जानकारी लेके आना चाहिए था कि वहाँ क्या हो रहा है। उसी इलाहाबाद की बात कर रही हूँ जिसमें उपचुनाव के दौरान भूपेंद्र सिंह जी ने ये शर्त रख दी थी कि अगर वो उपचुनाव जिताती है जनता उनको, तो ही वो कॉलेज को सैंक्शन करेंगे। और उसी कॉलेज को, जिस कॉलेज में आज 3 करोड़ की राशि दी गई है इस कॉलेज को आगे बिल्डिंग और बढ़ाने के लिए, और उसमें लगातार उसमें काम चल रहा है। और विकास की बात करते हैं, विकास देखने को मिलता है हमें ऐसी बन रही लगातार सड़कों से, लगातार हो रहे विकास, जो जनता ही उसका जवाब उनको जनता ही दे रही है। और बात वो दूसरी करते हैं, क्या पराली जलाने की बात करते हैं, उस पर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन पिछले दिनों में ज़रा उनको ध्यान दिलाना चाहूँगी मैं कि जो उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हैं उन्हीं का नाम पिछले दंगों में आया है, तो दंगों की बात ज़रा वो ना करें, क्योंकि ये उनकी राजनीति का जरिया है, हमारी नहीं। हमारे अंदर तो राष्ट्र की भावना है, देश को विकास की भावना है, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ना कि ऐसे बेतुके सवाल करके और असभ्य भाषा का प्रयोग करके देश में असामाजिकता फैलाने का काम हमारा नहीं है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, ज़रा याद दिलाना चाहूँगी कि उनकी राजनीति कैसी रही है। जो खुद ही क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं वो हमसे राजनीति की बात करते हैं, हमसे विकास की बात करते हैं, जिनके अंदर किसी क्षेत्रवाद, किसी समाजवाद की कभी कोई भावना ही नहीं रही, सिर्फ राष्ट्र भावना की बात करना ही हमारा मेन मकसद है।